दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 10 वेब सीरीज के बारे में बताता हूँ जिनकी एक्टिविटी एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। यानी कि ये सभी सीरीज बच्चों और कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में एक छोटी सी बैड न्यूज भी है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में जितने भी वेब सीरीज हैं ये सभी के सभी सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, वो भी नेटफ्लिक्स पर। लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी भी वेब सीरीज हैं जिनमें कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 पर हम बात करेंगे स्लैशर, क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज के टोटल 4 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे छोटे से शहर से जहां पर एक अनजान किलर जो कि शहर के सभी इनोसेंट लोगों को मार रहा होता है। लेकिन असल में इस किलर का क्या मोटो है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, और इस सीरीज को हो सके तो आप अपने बच्चों को भी ना दिखाएं तो ही ठीक है। इसके IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। नंबर 9 पर है येलो जैकेट, क्राइम और थ्रिलर से बनी इस सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज रिलीज की गई थी 2019 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सॉकर टीम से जो कि ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन ट्रैवल करते हुए अचानक से ही उनका सामना कुछ खतरनाक गतिविधियों से होता है। यानी कि उनके टीम में से एक एक मेंबर मरना शुरू हो जाते हैं, और लास्ट तक ही सॉकर टीम में कौन जिंदा रहता है, इवन उन्हें कौन मार रहा है, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है, और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। नंबर 8 पर है द ब्लैक लिस्ट, सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2013 में। इसके टोटल 10 सीजन रिलीज किए गए हैं। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे क्रिमिनल से जो कि क्राइम की दुनिया को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो कुछ ऐसे अपराधियों के नाम बताता है जिसे पुलिस किसी भी तरह से ढूंढ के मारना चाहती है। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है इस क्रिमिनल का अंजाम क्या होता है जिनका उन्होंने नाम बताया था। इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 7 कास्टल रॉक, थ्रिलर और हॉरर के ऊपर बनी इस सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। इसकी फर्स्ट सीजन रिलीज की गई थी 2019 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी मॉम से जो कि अपनी बच्ची को लेकर कास्टल रॉक नामक एक शहर में जाकर ठहरती है, लेकिन वहां पर जाते ही उसका सामना कुछ हॉरर एक्टिविटीज से होता है, और उन हॉरर एक्टिविटीज का सामना वो और उसकी बच्ची किस तरह करती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, लेकिन इस सीरीज को हो सके तो आप अपने बच्चों को ना ही दिखाएं तो ठीक है। इसे सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है, और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। नंबर 6 पर है द एलियनिस्ट, इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए थे। इसकी फर्स्ट सीजन रिलीज की गई थी 2018 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां पर बड़ी ही खतरनाक तरीके से बहुत सारे मर्डर्स हो रहे होते हैं। इसी बीच दो एलियनिस्ट जो कि किसी भी तरह से इन मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करना चाहते हैं, और लास्ट तक वो सभी इन केसेस को किस तरह सॉल्व करते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है, और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 5 पर है एनिमल किंगडम, क्राइम और थ्रिलर से बनी ये सीरीज रिलीज की गई थी 2016 में। सीरीज के टोटल 6 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। कहानी की शुरुआत होती है जॉस नाम के एक ऐसे लड़के से जिसके अचानक से ही मॉम की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने ग्रैंड मदर के पास रहना शुरू कर देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की पूरी फैमिली एक क्रिमिनल है, और इस क्रिमिनल फैमिली में जब जॉस एंट्री करता है तब उसकी लाइफ कैसी होती है, इवन उसकी ग्रैंड मॉम की फैमिली कौन से क्राइम को अंजाम देती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2, और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 4 पर है प्रीचर, फैंटेसी एंड हॉरर एक्टिविटी के ओवर बनी ये सीरीज रिलीज की गई थी 2016 में। सीरीज की टोटल 4 सीजन रिलीज की गई है। कहानी की शुरुआत होती है जॉस नाम के एक ऐसे पोप से जिसका सामना हर बार कुछ ना कुछ खतरनाक गतिविधियों से होता है, और इन सभी खराब गतिविधियों से वो किस तरह निपटता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। इस सीरीज के कुछ सीजन को आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, लेकिन इस सीरीज के 2 सीजन को आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है।
नंबर 3 पर है द वैम्पायर डायरीज। इसकी फर्स्ट सीजन रिलीज की गई थी 2009 में। इस सीरीज की कहानी आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एलिना नाम की एक ऐसी लड़की से जो कि पहले दिन हाई स्कूल जाती है, और हाई स्कूल जाते ही वो कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सभी के सभी एक्चुअल में एक वैम्पायर फैमिली है। और एली जब इन वैम्पायर फैमिली से मिलती है तो उसकी लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इवन सबसे बड़ी बात दोस्तों इस सीरीज की ये है कि वैम्पायर्स की एक अनोखी ही दुनिया है, और उस दुनिया को आप इस सीरीज के माध्यम से बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है डेक्स्टर। इसकी फर्स्ट सीजन रिलीज की गई थी 2006 में। सीरीज के टोटल 8 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है डेक्स्टर नाम के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जो कि क्राइम को खत्म करने में विश्वास नहीं रखता है बल्कि क्रिमिनल को ही खत्म करने में विश्वास रखता है। एक तरफ वो पुलिस की जॉब कर रहा होता है और दूसरी ही तरफ वो क्रिमिनल्स को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है। और डेक्स्टर अपने इस क्राइम को कितने दिनों तक लोगों से छिपा कर रखता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। इसे सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.6। और नंबर 1 पर हम बात करेंगे ब्रेकिंग बैड। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इसकी फर्स्ट सीजन रिलीज की गई थी 2008 में। इसके टोटल 5 सीजन रिलीज किए गए हैं। इसकी कहानी शुरुआत होती है वाल्टर नाम के एक ऐसे केमिस्ट से जो कि एक खतरनाक ड्रग्स बनाता है, लेकिन असल में वो ड्रग्स क्यों बना रहा होता है और लास्ट तक वाल्टर अपने इस क्राइम को कितने दिनों तक लोगों से छिपा कर रखता है ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है लेकिन इसे हिंदी में अवेलेबल नहीं की गई है फिलहाल अभी तक नेटफ्लिक्स पर। और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 9.5। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।